अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट अफेयर। तारीख रकम होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पहली मर्तबा इंडियन सॉइल को टच करेगी, भारतीय सरजमीन पर उतरेगी। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द इंडिपेंडेंस PIA विल लैंड ऑन द इंडियन सॉइल टेकिंग हिंदू पिलग्रम्स ऑन बोर्ड। इस स्टेप से मैं ये कहूंगा कि बहुत ही अच्छी न्यूज है फॉर द बोथ कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान से पिलग्रम्स इंडिया जाएंगे, वो भी PIA से, क्योंकि यहाँ पर काफी पाकिस्तान में काफी तादाद में हिंदू मौजूद हैं जो कि इंडिया में जाते हैं अपनी होली प्लेसेस पे। इससे पहले पाकिस्तान और इंडिया के शहरी समझौता एक्सप्रेस से सफर करते थे, मगर अब ये बहुत ही अच्छा स्टेप है दोनों मुल्कों के करीब लाने का, और उम्मीद यही की जा सकती है कि फ्यूचर में भी दोनों मुल्क ऐसे ही मिलकर काम करेंगे। मगर कुछ इश्यूज अब भी ऐसे हैं जिन पर अब भी बात चल रही है, उम्मीद है कि जल्द वो भी हल हो जाएंगे। वैसे भी हमें अब दुश्मन बुलाकर मिलकर काम करना चाहिए दोनों मुल्कों को। अगर आप देखो तो यहाँ पर गुर्बत बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि पीक पर है। अब हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर आप यूरोपियन मुल्क की मिसाल लेते हैं तो यूरोपियन मुल्क हमसे बहुत आगे हैं। वो आगे क्यों हैं? क्योंकि वो मिलकर काम करते हैं, कोई भी मसला हो वो सब मिलकर काम करते हैं और उसको हल निकालते हैं। इसलिए वहाँ पर इनोवेशन हमसे ज्यादा है, रोजगार के मौके हमसे ज्यादा हैं। बहुत ज्यादा पाकिस्तान और इंडियन की ऐसी तादाद है जो यूरोपियन मुल्कों में जाके काम करती है, वहां का लिविंग स्टैंडर्ड हमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। अब हमें भी इसी पर काम करना होगा। PIA का इंडिया में लैंड करना ये पहली शुरुआत है, उम्मीद है आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे काम होते रहेंगे दोनों मुल्कों के दरमियान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन अभी यही कहूंगा कि तारीख रकम होने जा रही है, तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इंडियन सॉइल को टच करेगी। देखिए अभी ये शुरुआत है और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ऐसे ही अच्छे अच्छे काम होंगे और दोनों मुल्क के दरमियान मुख्तलिफ समझौते भी होंगे, क्योंकि दुश्मनी में हमने अपने आप बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया है, इंडिया ने भी और पाकिस्तान का। अगर देखे तो वहां पर इंडिया में और पाकिस्तान में गुर्बत बेरोजगारी बहुत ही ज्यादा है, रोजगार के मौके बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अच्छा स्टेप है, उम्मीद है आगे भी ऐसे स्टेप होंगे और भी आएंगे ऐसे। तो गाइस अभी तक के लिए यही वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।